कबाड़ से करोड़ों का धंधा तो आज हम मिलने आए हैं स्क्रैप अंकल जो कि शार्कटैंग में उनको फंडिंग मिली है उनके फाउंडर मुकुल चाबड़ा से कि कैसे कबाड़ों से वो करोड़ों का धंधा कर रहे हैं उनको कैसे बिना इक्विटी के फंडिंग मिली काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है इनका तो कबाड़े से क्या डिफरेंट बिजनेस बन सकते हैं क्या उनको इनिशियल प्रॉब्लम्स आई कैसे उन्होंने स्केल अप किया आप कैसे डिफरेंट वेज में फंडिंग रेज कर सकते हैं सब कुछ डिटेल में जानेंगे मुकुल से तो मुकुल वेलकम टू स्टार्टअप ज्ञान थैंक यू फॉर है तो पहला वही क्वेश्चन रहेगा की Uh, काफी महीने हो गए होंगे पांच छह महीने हो गए होंगे तो क्या आपका जो फंड है हुँ. वो आपको मिल चुकी है फंडिंग या ड्यू डिलीजेंस में क्या हुआ है अभी तक नहीं यार अभी तो ड्यू डिलीजेंस चल रही है तो अभी तक आपके बैंक अकाउंट में हिट नहीं हुआ है नहीं 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 तो ओवरऑल मेन uh, यही कि शार्क का एक्सपीरियंस कैसा था क्योंकि आप वैसे और जगह भी पिच करते ही हुँ, होंगे तो ओवरऑल डिफरेंस क्या लगा yeah, यार काफ़ी अलग था शार्क टैंक का एक्सपीरियंस लाइक बीइंग एन एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा पिच करते रहते हैं हम लोग तो उससे बहुत अलग था तीन मेजर डिफरेंसेस थे एक तो पहला डिफरेंस ये था कि भाई यू नो you know, आपको हिंदी में पिच करने को मिलता है लाइक यू गेट अ चांस टू पिच इन योर मदर टंग ठीक है तो चीज़ें काफ़ी अलग निकल के आती हैं और ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हो और ज़्यादा समझ में आता है दूसरा डिफरेंस ये था कि शार्क टैंक में ना आपकी स्टोरी पे भी बहुत फोकस रहता है कि आप कहाँ से आ रहे हो क्या आपकी कहानी है आपको क्यों इंटरेस्ट है उस चीज़ में जो आप कर रहे हो तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पिच लाइक जो स्टोरी है किसी भी पिच में होना चाहिए वो बट टाइम नहीं हो पाता दूसरी पिचज़ में तो शायद स्टोरी पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता तो शार्क टांग में मैं देखता हूँ कि स्टोरी पे बहुत फोकस रहता है तीसरा डिफरेंस तो वही है यार कि मतलब लाइट्स कैमरा एक्शन और सेट और यू you नो know, फिल्मी चीज़ें वो सब मतलब मेकअप और <laughs> स्ट्यूमर ये सब चीजें रहती हैं तो ये तीन हाँ। मैंने डिफरेंसेस ऑब्जर्व किया एंड आल्सो एक ये भी है कि आपको ज्यादा टाइम मिलता है पिच करने के लिए लाइक like एक डेढ़ घंटा आप मतलब वो कट करके दिखाते हैं हाँ असली पिच आपकी लगभग डेढ़ घंटा एक घंटा दो घंटा कुछ भी जा सकती है ओके okay. एक चीज मैंने देखी कि स्पेसिफिकली आपके पिच में उन्होंने बोला कि आपको काफी क्लैरिटी है बिजनेस हाँ। के बारे में भी आपके फील्ड के बारे में भी मेरा सवाल है कि अगर आपको किसी को एक दो लाइन में अपना बिजनेस समझाना होता है तो आप क्या बोलते हैं

प्रोसेस करते हैं और फिर कितना कमाते हैं अप्रोक्स uh, यार uh, कितना बाय वेट बोल रहे हैं आप या बाय अमाउंट मतलब रेवेन्यू दोनों बाय वेट कितना प्रोसेस करते हैं एंड फिर रेवेन्यू कितना कमा लेते हैं बाय uh, वेट तो भी बिकॉज यू नो वी आर अ वेरी अर्ली स्टेज तो बाय वेट अराउंड डेढ़ सौ से दो सौ टन हम कर लेते हैं एंड बाय रेवेन्यू अगर देखें तो थर्टी फाइव लैक्स के आसपास अभी मतलब लास्ट मंथ का देखें शार्क टांग से पहले का तो पर मंथ कर लेते हैं उसके अलावा अगर वेट की बात करें वैसे डेढ़ सौ दो सौ टन बहुत छोटा नंबर है बट गेटिंग बी टू बी में डेढ़ टन दो छोटा नंबर है बिकॉज यू नो आप लास्ट माइल कलेक्शन नहीं कर रहे वहां पे आप बड़े बड़े चंक्स में उठाते हो वो भी हम मतलब हमारा फोकस नहीं है बी टू बी पे बी टू सी हमारा प्राइमरी ब्रेक करने का फोकस है okay, तो इवेंचुअल प्लान है बी जाने का नहीं अभी फोकस बी टू सी बी टू बी बिल्कुल जाना है और बिल्कुल अभी भी हमें क्लाइंट्स हैं बड़े बड़े लाइक अर्बन कंपनी को का स्क्रैप लिया है हमने डी एस ग्रुप का लिया है एम्बेसी ऑफ थाईलैंड से लिया है और बैंक से लिया है आई सी सिक्योरिटीज से लिया है बहुत जगहों से लेते हैं बट फोकस नहीं है अपना मार्केटिंग नहीं करते बी के लिए मार्केटिंग हम बी के लिए करते हैं और बी uh, बी में जो अपना है यू uh, नो you know, अपने आप आएंगे एंड इवेंचुअली फ्यूचर में जब टू सी से हमारा नाम और मोनोपली बन जाएगी ना तो बी टू बी तो अपने आप आ है। हम बन गया, से, अच्छा कॉलेज है लोग हाँ को अच्छी खासी बीस तीस चालीस लाख की नौकरी मिल जाती है तो आपको ये स्टार्टअप का चस्का कब चढ़ा और कैसे आपने डिसाइड किया में ही जाना है जब की इतने और दूसरे अपॉर्चुनिटीज हैं यार स्टार्टअप का तो मैं मानूंगा कि बचपन से ही था मतलब अराउंड टेंथ स्टैंडर्ड से तो था ही कि भाई स्टार्टअप वर्ड नहीं पता था तब क्या होता है बट धंधा करना था बिजनेस बनने का शौक़ था और सीखने का शौक़ था दो चीज़ों का शौक था मतलब जब बचपन में मुझसे कोई कुछ पूछता था कि भाई क्या बनोगे तब मैं बोलता था कि भाई मैं तो इन्वेंटर बनूँगा मतलब ठीक है ऑनेस्टली uh, बता रहा हूँ तो इवेंचुअली चीज़ें चेंज हुई समझ में आया कि भाई पैसा भी ज़रूरी होता है इन्वेंशन करने के लिए भी पैसा चाहिए तो ये था कि भाई सीखना है और बिज़नेस करना है तो इससे ज़्यादा कुछ मतलब माँ बाप ने भी सिखाया नहीं था मैं छोटे शहर से हूँ तो उन्होंने कुछ बोला नहीं था कि भाई तुम्हें नौकरी करनी है तुम्हें क्या करना है उन्होंने बोला जो मन है वो करो तो जब कॉलेज आया तो देखा भाई कि मेरे जो सब सीनियर्स हैं वो जॉब्स के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और सब प्लेसमेंट का ही गेम है तो वो प्लेसमेंट कौन सी कंपनीज़ में लेना चाह रहे हैं जोमेटो में स्विगी में ओला में तो मैंने ये देखा कि यार ये कंपनीज़ करती क्या है मतलब ये रॉकेट तो नहीं बना रही स्पेस एक्स तो नहीं है या नासा तो नहीं है सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और एक चीज़ कॉमन थी कि टैम बहुत बड़ा था मार्केट साइज बहुत बड़ा था मतलब हर किसी को ज़रूरत है तो मुझे लगा कि यार कुछ ऐसा ही करना है तो कंज्यूमर यू नो फेसिंग बिजनेसिस का बहुत मेरे को इंटरेस्ट आया बट uh, मेरा डोमेन जो है शुरू से रोबोटिक्स और रोबोटिक्स uh, वगैरह में रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में रहा है तो इसीलिए मैंने पहले तो एक ड्रोन्स का स्टार्टअप किया और बट मेरे को फिर भी नज़र रहती थी कि कंज्यूमर वाला क्या कर सकता हूँ मैं और क्या ऐसी चीज मेरे को ये चीजें बड़ी फैसिनेट करती थी जो ऐप से आ जाती हैं मतलब अपने पापा को बुलाता था, था सोनीपत से और दिखाता था, था कि भाई देखो मैं आपसे कैसे टैक्सी बुला सकता हूँ खाना मंगवा सकता हूँ चीजें ऑर्डर कर सकता हूँ चश्मा मंगवा सकता हूँ वो सब चीजें तो इवेंचुअली ये वाली चीजें थी तो मेरे को बस ये था कि बच्चा क्या है जो ऐप से नहीं आ सकता और जो यूज होता है डेली तो मुझे लगा ये एक अच्छी चीज़ है जिसका मार्केट भी है मतलब टिकट साइज़ भी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल छोटी हो जैसे चीजें तो बहुत है जो ऐप से नहीं होती बट इसमें टिकट साइज़ भी अच्छा खासा है मतलब अमाउंट एंड ये बचा भी है तो मैंने फिर सोचा कि इसको हम बड़ा कर सकते हैं तो एक जैसे कि आपने बोला कि आप ड्रोन स्टार्टअप करें ड्रोन ऑफकोर्स काफ़ी फैंसी चीज़ भी है बिल्कुल सब लोग अट्रैक्ट भी होते हैं और स्पेशली अब इंडिया में ड्रोन स्टार्टअप काफी चल भी रहे हैं काफ़ी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है भिल्कुल, भिल्कुल। तो नॉर्मली लोगों को ऐसे फैंसी चीज़ों में स्टार्टअप करना था तो वो छोड़ के आपने बिल्कुल कबाड़ी में शिफ्ट किया तो वो आपका डिसीजन कैसा था और पेरेंट्स का क्या था कि यार इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो यार तो, देखो मेरे को ना फैंसी चीज़ों की नॉलेज पूरी है ठीक है मतलब आई एम अवेयर ऑफ वॉट क्रिप्टो इज आई एम अवेयर ऑफ वॉट मेटावर्स इज आई एम अवेयर ऑफ वॉट वेब थ्री इज ठीक है सारी ब्लॉकचेन और मतलब कोई भी गैजेट आता है आई एम वेरी क्यूरियस टू गेट दैट गैजेट मेरे पास मेटा क्वेस्ट टू पड़ा है मेरे पास बहुत सारे गैजेट्स पड़े हैं जो नए नए आते हैं और टेक हैवी भी मैं बहुत हूँ बट मेरे को ना रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मजा आता है और मेरे को करना है बाकी सब भी करना है बट यू नो मेरे को ये ना फ्यूचर की प्रॉब्लम है अभी हमें दिख नहीं रही है तो जब धीरे धीरे ना बहुत कंज्यूमरिज्म बढ़ता जा रहा है परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही है हर किसी की तो जितना ज्यादा खरीदोगे सामान उतना ज्यादा जंक प्रोड्यूस होगा तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो किंग बना सकता है किसी एक को मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बनूंगा बट तो जो भी कंपनी चलेगी ना वो राज करेगी बहुत बड़ी तो समझ रहे हो बहुत बड़ी मतलब जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे कि अब हम गूगल फेसबुक या फिर हाँ, तो, तो लेवल की कंपनियां हाँ मतलब अगर कोई बनाना चाहे तो जोमेटो स्विगी वगैरह से बड़ा भी बना सकता है इंटरनेशनली भी जा सकता है ठीक है और भी एशियन कंट्रीज में होता है जो कबाड़ी वाला आई थिंक uh, कुछ कुछ हमारे जैसे एंटनी वेस्ट और ये सारी कंपनीज में तो आईपीओ आईपीओ भी क्या है आईपीओ में भी काफी जबरदस्त बिल्कुल मिला बिल्कुल यार क्योंकि प्रैक्टिकल बिजनेस है ना धंधा है, है और ये जैसे बोल हाँ। रहे हाँ। तो की क्या कहा जाएगा वेस्ट और जैसे एंटनी का आईपीओ आया था तो भाई नीड ऑफ दर है मैं देखता हूँ ये प्रैक्टिकल जो धंधे होते हैं ना ये इतने फेमस नहीं होते मतलब वो बज नहीं होता स्टार्टअप वाला बट बहुत दम होता है इनमें इनके शेयर नीचे नहीं जाते इनकी रेवेन्यू नीचे नहीं जाती इनकी बैलेंस शीट आप देखो बहुत सॉलिड तगड़ी होती है तो ये चीज़ें तो ये आपको मतलब जब आपने डिसाइड किया कि यार वेस्ट का जैसे कि नॉर्मली वेस्ट वाला ना जब हम कुछ एनवायरमेंटल साइंस का प्रोजेक्ट करते हैं तब थोड़ा बहुत इसमें देखते हैं वो कोई इतना सीरियसली नहीं लेता थोड़ा बहुत देखा ठीक है बिल्कुल वो है बट आपको उस टाइम में क्योंकि लगा कि मार्केट काफ़ी बड़ा है एंड आई थिंक एक पॉइंट ये भी होगा कि इसमें कोई बड़ा प्लेयर नहीं है स्पेशली स्टार्टअप स्टार्टअप फील्ड में कि बिल्कुल कोई कर नहीं रहा हर नहीं। कोई सेक्सी चीजों के पीछे हाँ। भाग रहा है लाइक मशीन ए आई वेब थ्री टेक्नोलॉजी ड्रोन और ये सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं तो ये चीजें भी जरूरी है यार करनी और ऐसा नहीं है कि इसमें टेक का रोल नहीं है मैं आपको बताऊंगा मतलब बहुत टेक का हर स्टेप पे रोल है सिर्फ एक ऐप नहीं है जिससे आप ऑनलाइन कर रहे हो बहुत टेक है हर जगह टेक है कलेक्शन सेंटर में टेक है पिकअप टीम के पास टेक है तो टेक का भी बहुत रोल है और दूसरी बात यह कि ज़रूरी नहीं है यार कि सिर्फ जो हाइप डप चीज़ें हैं वही पैसा कमा के दें जैसे मशीन लर्निंग हाइप डप है और वो चीज़ें हाइप डप है बहुत चीज़ें बची हैं यार आप अपने आस देखो सौ प्रॉब्लम मिलेंगे आपको जो बहुत पैसा बना के दे सकती हैं तो मेरा बात ये है कि भाई मैं पहले मतलब नॉट ओनली पैसा बनाना इम्पैक्ट नो विजिबल इम्पैक्ट मतलब आई ऑलवेज वॉन्टेड टू टच यू नो लाइफ ऑफ एज मनी पीपल एज़ पॉसिबल तो इस बहुत लोगों की ज़िंदगी छू सकते हो ठीक है अब निफ्टी बना के मैं क्या कर सकता हूँ मतलब ठीक है मतलब मैं अपने देश के अपने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता ना मतलब मेरे को मजा आता है जब मैं डेटा बेस स्क्रोल कर रहा होता हूँ कि भाई इतने हज़ारों लोगों ने हमारी ऐप यूज़ करी है जो भी है मतलब बीग यू नो अर्ली स्टेज यंग आए आई आई रियली फील गुड वेन आई सी दोज़ यू नो पीपल कोई किसी का कोई कोई कौन से शहर का है कोई कौन से शहर का है तो वो इम्पैक्ट आपको मौका मिलता है ऐसी चीज़ों से करने का ना क्रिएट एक चीज़ यह जैसे कि आपने बोला ऑनलाइन कबाडी वाला टाइप हम स्टार्टअप करेंगे बिल्कुल अब ये ऐसा नहीं कि है कि आपको ही आइडिया आया सबको बहुतों को आया होगा ऐसा बट एग्जीक्यूट किसी ने किया नहीं है, जिसने भी किया उतने अच्छे से नहीं किया हाँ। एक आई थिंक इसमें दिक्कत ये होगी कि एग्जैक्टली exactly डिटेल्स में क्या ऊपर से बोलना बहुत आसान है कि भाई हम खाना मंगाते तो ये दबाएंगे तो आगे इसके पीछे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उनको

हर किसी के बस का ही नहीं है करना एग्जीक्यूट क्योंकि दो रीज़न्स है क्योंकि सबसे पहला तो ये थोड़ा यू नो हाइपडअप नहीं है हाँ ठीक है तो पढ़ा लिखा बंदा इसमें घुसना नहीं चाहता जो घुसना चाहता है उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड है स्क्रैप का ठीक है और अगर पढ़ा लिखा बंदा घुस भी जाता है मतलब मैंने देखा कई हमारे कॉम्पिटिटर्स थे जो बंद हो गए उनके फाउंडर्स यूएस से आए थे यूके से आए थे पढ़ लिख के वो ना एसी में बैठ के काम करना चाहते हैं ठीक है ना मतलब मैं इवन मिला हूँ अपने कॉम्पिटिटर्स के फाउंडर से तो लाइक कॉम्पिटिटर स्टार्टअप के फाउंडर से तो उन्होंने बोला कि भाई हमें ना हम ना इसको टेक एनेबल कर रहे हैं बट धंधा ना अभी हमें सीखना है मतलब ठीक रहे धीरे धीरे तो यार सीखोगे नहीं तो इतना इतनी फंडिंग कैसे रेस कर रहे हो फिर तुम बिना सीखे जब तुम्हें ग्राउंड लेवल रियलिटी नहीं पता उसकी तो मेरा ये मानना है कि इसीलिए क्रैक नहीं हो पाया अब तक और दूसरा इसका जो रीज़न है क्रैक ना होने का वो ये है कि ये रिवर्स लॉजिस्टिक्स है देखो इस चीज़ में ना कंपनीज 2015 से लगी हुई हैं करने के लिए और फेल होती जा रही है मैं भी लगा हुआ हूँ क्योंकि करना है इसको मतलब मैंने अभी स्टार्ट किया है दो तीन साल हुए हैं लगभग बट कोई ना कोई तो सॉल्व करेगा इसको क्रैक तो होगा ही और बहुत बड़ी कंपनी निकल के आएगी बट ये इसलिए नहीं हो पा रही एक तो कि पढ़े लिखे लोगों को इंटरेस्ट नहीं करती ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को दूसरा ये कि यू नो you know, अगर कर भी जाती है तो वो धक्के नहीं खा सकते चप्पल नहीं खींच सकते अपनी ठीक है ना तो आ, मतलब इसमें ना वो दोनों की जो टीम कोई ऐसी टीम आए जिसमें दोनों को नो इसको भाई टेक की पूरी नॉलेज हो स्टार्टअप्स की पूरी नॉलेज हो यू नो एंड एट द सेम टाइम दे आर रेडी टू डिग डीप इन द ग्राउंड ठीक है ना तो वो क्रैक कर पाएगी और आ, पढ़ाई लिखाई मतलब मतलब स्टार्टअप्स की नॉलेज क्यों चाहिए है, है? इसमें आप लोग हाँ। हाँ। तो से ऊपर जा रहा है सामान तो जब हम कोई नॉर्मल कमोडिटी यूज करते हैं मान लो कोई पेन है या कोई घड़ी है कोई भी है वो ऊपर से नीचे आती है कंपनी बनाती है आप यूज करते हो तो वहाँ पे प्रोसेसिस फॉलो होते हैं या आप बना रहे हो आपसे आप कलेक्ट करने वाला भी एक अनाड़ी है ठीक है वो आ रहा है आपके घर फिर वो वेयर हाउस जाना है वेयर हाउस से फिर वो रिसाइकलर के पास जाना है तो हर स्टेप पे ना मतलब लीकेजेस पॉसिबल है गलतियां पॉसिबल है तो उसके लिए प्रोसेसेस एस्टैब्लिश करने हैं टेक्नोलॉजी घुसानी है, है जहाँ पे भी घुस सके कि भाई कोई भी सामान इधर उधर ना निकले सारा सामान सही जरिए से ट्रांसपेरेंसी से रिसाइकल हो तो वो क्रैक करना बड़ा डिफिकल्ट है और दूसरा क्रैक करना डिफ़िकल्ट के साथ साथ आसान भी नहीं है इतनी वैरायटी है इतनी अजीब अजीब चीज़ें आती हैं हमारे पास जंक में तो वो कैटेगराइज uh, करना उसको समझना कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक करना वो भी बहुत ज़रूरी है तो इसीलिए एक क्रैक नहीं हो पा रहा अब तक अरे यार मुकुल आपने बताया कि बहुत इंटरेस्टिंग uh, मतलब बहुत टाइप के वेस्ट आप कलेक्ट करते हो हाँ हा। मेरा सवाल है कि आप में ऐसे सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स क्या वेस्ट में मिले मतलब कोई महंगी चीज़ कोई अनोखी चीज़ यार कुछ भी आता रहता है लाइक अभी रिसेंटली एक मसाज चेयर आ गई थी अच्छा वो <laughs> पूरा चलती, चलती है हाँ वो प्रॉपर चलती है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी वो मैंने ऑनलाइन उसका प्राइस चेक किया था और उसके अलावा जैसे मतलब अलग अलग माइक्रोस्कोप आ जाते हैं यू नो प्रॉपर मेडिकल वाले माइक्रोस्कोप मेडिकल इक्विपमेंट आ जाती हैं और पुराने ग्रामोफोन आ जाते हैं वुडन टीवी आ जाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आती रहती हैं मतलब स्क्रैप में और अभी तक आपका ऐसा ऐसा कौन सा प्रोडक्ट जो कि सबसे महंगा प्रोडक्ट हो जो कि वेस्ट में आया हो मैकबुक आते रहते हैं यार कभी कभी अच्छा अच्छा तो मैकबुक तक आ चुका है हाँ, बट मतलब इतना नहीं बहुत रेयर होता है ये सब हाँ, हाँ। ये मैं पूछना था कि जैसे कि बहुत टाइप के कहते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेते हो पेपर लेते हो कार्डबोर्ड लेते लेते हो कार कार्ड बोर्डिटेक्टर मतलब मेरे हिसाब से मैं कि होता है क्योंकि उसमें कुछ चीजें आप रिफर्बिश कर पाते हो मतलब बट उसके लिए आपको कुछ ऑथराइजेशन चाहिए बट हम अपने उनको जिनको देते हैं वो लोग हैं तो वो अगर किसी को शुरू करना है तो दैट कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल एंड उसके अलावा तो लो uh, प्रॉफिट की अगर बात करें तो जो बेसिक यू नो बहुत हाई वॉल्यूम आइटम्स हैं जिन्हें हम फास्ट मूविंग आइटम्स बोलते हैं जैसे कि पेपर हो गया कार्डबोर्ड हो गया तो थोड़ा लो प्रॉफ़िटेबल होती हैं वो बट एवरेज करें तो हम फोर्टी फाइव परसेंट फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट का जीप ग्रॉस प्रॉफिट आता है फ्रॉम कस्टमर टू द रिसाइकलर अच्छा हाँ. तो, तो लो प्रॉफिट की गेम है ये, मतलब दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्रॉफिट प्रॉफिट लो बट हाई वॉल्यूम यस यस तो इसमें होता ये ना कि आपको प्रॉफिट कलेक्शन के लिए भी देना होता है लॉजिस्टिक्स बहुत है पूरा काम ही लॉजिस्टिक्स का है तो उसमें खर्चा काफी आपका चला जाता है तो वो वाली चीज है सवाल ये की कि अगर किसी को ये वेस्ट रिलेटेड कुछ बिजनेस शुरू करने हो हाँ.

ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे, अच्छे आइडियाज आ रहे हैं जैसे कैसेट्स होती हैं पुराने जो टेप रिकॉर्डर की उसको पेंट करके बहुत अच्छी अच्छी चीजें लोग बनाते रहते हैं तो आप देखोगे कई जगह अच्छी अपसाइकल चीजें मिलती है बनती भी हैं तो बॉटल्स होती हैं जैसे आपकी बियर बॉटल्स होगी या, या ये लिकर बॉटल्स होगी इनसे बहुत कुछ आप यू नो डेकोरेट करके बना सकते हो पेंट करके लाइट डाल के वो सब तो एक तो आपकलिंग हो गया दूसरा कंपोस्टिंग का बहुत जबरदस्त है तो क्योंकि यू नो वेट वेस्ट इज़ अ वेरी यू नो बिग प्रॉब्लम अगेन तो वेट वेस्ट के लिए आप कंपोस्टिंग का जैसे कभी शार्क टैंक में भी आया था तो उसमें आप कंपोस्ट के लिए अलग अलग नए यू नो यू कैन आल्सो इन्वेंट न्यू थिंग्स लाइक अभी इसमें रिसर्च भी कर सकते हो आप नई कोई नई कंपोस्टिंग टेक्निक ले आओ और कंपोस्टिंग के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स भी आती है वो बना सकते हो आप स्मार्ट डस्टबिन बना सकते हो ठीक है स्मार्ट ना स्मार्ट डस्टबिन डस्टबिन मतलब मतलब मैंने भी बनाया था बचपन में एक बार जैसे डस्ट बेस्ड डस्टबिन बना दो ठीक है जिसमें मान लो डस्टबिन भर गया तो नोटिफिकेशन चली जाएगी भाई डस्टबिन फुल है उसके अंदर आप एक पिस्टन लगा दो उसको कंप्रेस करने के लिए ताकि इससे आपका जो कम्पोस्टिंग फास्ट हो जाए कम्पोस्टिंग नहीं वो डस्टबिन है अच्छा वो डस्टबिन नहीं हाँ ताकि उसमें और ज्यादा कूड़ा डाल सके कोई तो उस टाइप के स्मार्ट डस्टबिन बना सकते हो उसके अलावा आप सेग्रीगेशन के लिए कुछ मशीन्स बना सकते हो आप ऐसा डस्टबिन बना सकते हो जो खुद सेग्रीगेट कर दे और वेट को तो करते हैं लोग बनाते हैं कंप्यूटर विजन यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर विजन मतलब इमेज एनालिसिस मतलब सॉरी फॉर द जारगंस बट आप एक कन्वेयर बेल्ट पे इमेज एनालाइज करके चीजें को छाट सकते हो मैग्नेटिक टेक्निक से छाट सकते हो बहुत इमेंस मतलब पॉसिबिलिटीज़ है वेस्ट में करने की लोग कंप्यूटर विज़न से मतलब कलेक्शन सेंटर में कैमरा लगा दिया और वो देख के बता देंगे कि कितना है आपके स्टॉक का okay. आपका पेपर है इतनी जगह में पड़ा है तो उसका वजन कितना है तो वो वाली चीजें भी है तो बहुत इमेंस पॉसिबिलिटीज है नहीं यहाँ पे जैसे कि आपने course, कुछ, हाई भी हाँ, हाँ. आ, कुछ आपने बताया कि जो साइकिल तो एक मेरा ये भी सवाल था कि बहुत सारे हमारे उनका ये है, कि हाँ, उनको है हाँ। बट उतना में, आजू बाजू में फैक्ट्रीज में होता है तो उसमें और कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज आपके अगर टीयर टू टीयर थ्री की बात करें और जैसे हिसाब से आप बोल रहे हो तो कम्पोस्टिंग बहुत ईजी है आप ऑनलाइन सीख सकते हो कैसे करते हैं और बहुत अच्छी चीज है आप फैलाओ कम्युनिटी में और खासकर खाद बनती है उससे तो गाँव में भी बहुत काम आ सकती है वो यू you नो know? और दूसरा अब साइकिलिंग बहुत ईजी है किसी भी चीज़ से आप कुछ नया बना सकते हो और इंडियंस तो हम एक्सपर्ट हैं जब तक वो हमारी पैंट शर्ट का पोछा नहीं बन जाता तब तक वो जाती नहीं है कभी कूड़े में तो नई नई चीज़ें बनाओ और सोचो कि कैसे जुगाड़ बना के जुगाड़ से कितनी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं आपके जंग को यूज़ करके आपकी पुरानी चीज़ों को यूज़ करके तो वो जरूर आप कर सकते हो और उससे एक ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हो आई थिंक हर एक डिफरेंट टाइप के जैसे कि मान लो आपने बताया कि एक वेट वेस्ट के साथ हमने कंपोस्टिंग कर लिया जो प्लास्टिक वेस्ट है जो बॉटल उनके उनका हमने अपसाइक्लिंग कर दी वैसे ही आई गेस हम जो हमारा पेपर प, पल्प है कार्डबोर्ड है हाँ। उसको हम वो आई थिंक पल्प कि शार्क टैंग में भी कितनी आती हैं जो से भी बच्चे करते हैं। मैं को बहुत जुगाड़ू कमलेश हो गया या अभी एक वो चाय कप्स धोने वाली मशीन लेके आए थे बच्चे तो ऐसा नहीं है कि आप हाई फाई चीजें गाँव में नहीं बना सकते तो अब जैसे स्मार्ट डस्टबिन मैंने बोला उसका आप मेनिकल वर्जन बना लो मैं कही नहीं रहा हूँ उसको रखो है ना उसमें कुछ करो कि भाई सेग्रीगेट भी हो जाए मैग्नेटिक्स यूज़ करके या कुछ भी यूज़ करके और मैकेनिकली उसको कंप्रेस करने का कुछ जुगाड़ बना लो बहुत कुछ हो सकता है एंड आई गेस इसमें हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट में भी yes. जनरेट करके और हम दिल्ली में रहते है, हम देखते हैं हरियाणा हाँ। में इतना बर्न होता है बट आप जैसे की नितिन गडकरी और ये सब बायो ये सब वेस्ट को कलेक्ट करके उसको बायोगैस में कन्वर्ट हैं फिर बहुत सारे में बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं टू डील विद वेस्ट और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जैसे बर्निंग वाली प्रॉब्लम्स है पोल्यूशन का बहुत वो रहता है दिल्ली में तो काफ़ी नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं लोग और यू नो कार स्क्रैपिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है हाँ। जो नितिन गडकरी जी हाईलाइट करते हैं क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट यू you नो know, मिनिस्ट्री से भी हैं तो बहुत ही सारी गाड़ियां स्क्रैप होनी है नो, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है तो ये, ये बिकॉज बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें चीजें मिस भी हो सकती है एक मिस यूज हो गया दूसरा ये भी ना कि सही से रिसाइकल होना चाहिए मतलब एफिशिएंट तरीकों से उसको यू नो स्क्रैप किया जाना चाहिए कहीं से जुगाड़ों से नहीं होना चाहिए हथौड़े मार के नहीं होना चाहिए मशीनों से होना चाहिए तो उसके लिए कुछ ऑथराइज ऑथराइजर है तो हमारा टाइप है जैसे जिनको हम देते हैं वो गवर्नमेंट ऑथराइज कार स्क्रैपर है ओके ओके जी तो जैसे कि मुकुल भी बता रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट के साथ बिजनेस आइडियाज हैं आप चूज करिए कि आपको एग्रीकल्चर वेस्ट से करना है प्लास्टिक से करना है कार्डबोर्ड से करना है कंपोस्टिंग से करना है अपॉर्चुनिटी इमेंस है और क्योंकि जैसे आप बता रहे कि वेस्ट तो बढ़ते ही रहेगा बिल्कुल अब ना रिसेशन आने वाला है ना इसमें कोई वो है कि स्लो डाउन होने वाला है ये एवर ग्रोइंग फील्ड है आपको एक नीच पकड़ के exactly. उस डबल डाउन करना है भी करेगी कि बिल्कुल बिल्कुल, कि बिल्कुल हम ये जो सेग्रीगेशन पूरा लॉजिस्टिक सेंटिमेंट हम मैनेज करेंगे यार करें। वेस्ट में ना एक अवेयरनेस का भी बिजनेस हो सकता है क्योंकि वेस्ट बढ़ना ही है बट बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है तो जैसे कंज्यूमरिज्म बहुत फैल रहा है कोई अच्छी चीज़ नहीं होती कि हम हर साल नया फोन खरीद लेते हैं कंपनी तो चाहेगी हम खरीदे ब्रांड तो चाहेगा कि भाई हम नया फोन खरीदे इसमें तो वही आ, जो ने भी पूरा बिजनेस बना दिया है हाँ। बिजनेस ना भी बनाया मैं कह रहा हूँ आप क्यों ले रहे हो नया फोन जब आपको चाहिए ही नहीं ठीक है ना तो क्यों नया फ्रिज ले रहे हो जब आपको चाहिए है? नहीं आपके फ्रिज से चल रहा है सही से काम तो अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आ सकते हैं जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराएं बच्चों को सिखाएं कि भाई कैसे हम क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज की क्यों हमें अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी यू नो कंज्यूमरिज्म करना मतलब अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग करना गत्ता यूज करना मतलब हमें ये भी करना चाहिए कि वेस्ट कम हो हालांकि हाँ। हमारा बिजनेस उससे बढ़ता है बिल्कुल बट हमें ना सोसाइटी के लिए बहुत वो उससे सोचना चाहिए बिकॉज अभी हमें दिखती नहीं है चीजें नहीं आप आप तो दिखने लगे से कि ये फ्लिपकार्ट का लगी एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल राइज आएगा ना तो तब तो शायद चीजें संभाल नहीं पाएंगे हम घर पे मतलब हर हफ्ते एक एक कार्टन आता रहता है जब भी आप देखिए लैंडफिल्स कितने बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं और दिल्ली में अगर आप वहाँ पे जाके हेल्थ वर्कर्स मतलब सॉरी जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्थ कंडीशन देखेंगे तो बहुत बुरा हाल है क्योंकि वहां से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं और वहाँ पे उनको इक्विपमेंट नहीं मिलते प्रॉपर काम करने के तो हमें उनको भी देखना है ना यहाँ इक्विपमेंट बनाने बिल्कुल, बिल्कुल, था। भी क्लीनिंग हो और... उसमें उसको उनको घुसना पड़ेगा ऐसी इंडिया में ना जो बहुत ही सीवियर यू नो इशूज जिनसे रिलेटेड है आई थिंक ये बहुत जो वेस्ट हम सोचते हैं बहुत छोटा सा मार्केट है बट आपसे बात करके बहुत, इतने बहुत सारे सब है। है। हर, सब में बार बार हर में हर कंट्री में अपॉर्चुनिटी है यार सिर्फ इंडिया में नहीं मतलब आप चीजें लेके जाओ इंडोनेशिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट की और कई एशियन कंट्रीज में बहुत बड़ी अभी अपनी आई थिंक चाइना के बाद सेकंड बिगेस्ट वेस्ट प्रोड्यूसर हम ही है और अफ्रीका में भी बहुत प्रॉब्लम है वेस्ट की लैंडफिल्स की तो इमेंस अपॉर्चुनिटी है और अब जैसे अब मेन आपको भी एक फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है जैसे नितिन गडकरी बोल रहे हैं फ्लेक्स फ्यूल चाहिए तो हम बायोगैस से निकालेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इनिशिएटिव्स भी लेके आ रही है काफ़ी सारे अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर का मन की बात में भी ई वेस्ट पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे काफी लंबा उन्होंने okay. मतलब लेक्चर दिया था तो वो भी काफ़ी अच्छा था तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो तो भी काफी आ रहे होंगे हाँ, बट हमें गवर्नमेंट का ट चेंज करना चाहिए you know, कर कि भाई कितना रिसाइकलिंग करना क्योंकि फ्यूचर में यार सही जगह रिसाइकलिंग करना सही जगह रिसाइकलिंग करना फालतू में नई चीजें ना खरीदना और भी बहुत सारी चीजें सेग्रीगेट करना सोर्स पे तो कम से कम हम नहीं कर सकते अपनी आदतें नहीं बदल सकते तो अपने बच्चों को तो हम उस तरीके से एजुकेट करें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से बिल्कुल तो ब्रो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपको शार्ट से भी फंडिंग मिल रही है बट जैसे जो बड़िंग ऑन्टरप्रनर हैं उनको दिक्कत होती है कि यार कोई सपोर्ट नहीं मिलता और फंडिंग की भी इनिशियल फेज में बहुत दिक्कत होती है तो वहां पर फिर क्या क्या और ऑप्शन अवेलेबल होते हैं यार फंडिंग के लिए मेरे हिसाब से बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है बस लोगों को पता नहीं होता गूगल पे सर्च करो बहुत सारे फंडिंग प्रोग्राम्स है स्टार्टअप इंडिया के बहुत प्रोग्राम्स है जहाँ पे ग्रांट्स हो गई सीड फंड सपोर्ट हो गया वो सब आपको मिल सकते हैं और उसके अलावा इंक्यूबेटर्स होते हैं ठीक है इंक्यूबेटर से आप एक इनिशियल फंड उठा सकते हो हालांकि गवर्नमेंट इंक्यूबेटर से थोड़ा कम अमाउंट मिलता है मतलब 10-15-20 लाख के आसपास बट

उसको यू नो नर्चर करने के लिए उसको बड़ा करने के लिए एक जगह है जहाँ पे यू नो यू गेट मेंटोरिंग आपको एडवाइस करते हैं आपको एक वर्किंग ऑफिस मिल जाता है ऑफिस तो, भी मिल जाता है बट मतलब पे करना पड़ता है बट बहुत जेन्युन यू नो प्राइसिंग पे आपको एक ऑफिस मिल जाता है आ, आपको इंडस्ट्री कनेक्ट मिल जाता है यू नो प्रोग्राम्स के बारे में पता चलता है जो नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं यू नो you know, क्योंकि जैसे आप कह रहे थे कि ग्रांट वगैरह कैसे पता चलते है तो इनक्यूबेटर आपको बताता रहता है कि भाई एक नया प्रोग्राम है आप इसमें अप्लाई कर दो है okay. ना तो और और उसके अलावा की स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट ऑन्टरप्रिनोरशिप you know, एक एजुकेशन होनी चाहिए बिकॉज यू नो कई चीजें नहीं पता होती है हाँ, funding, अगर funding. आप बिजनेस से बैकग्राउंड से नहीं हो खासकर तो आपको पता नहीं होता चीजों के बारे में तो ऑनटरप्रिनोरशिप सीखने के लिए इंक्यूबेशन यू नो इनक्यूबेटर्स कैन बी अ गुड प्लेस एंड आई गेस सारे मेजर कॉलेजेस में इंक्यूबेटर्स होते हैं हाँ सारे में नहीं बट काफी जो इंजीनियरिंग Uh, हाँ, तो के में भी हैं आजकल हाँ. और आते जा रहे हैं कल्चर इंक्यूबेटर नहीं, है कि आप उसी नहीं, ऐसे, नहीं student... आप, ऐसे जरूरी नहीं है की आप उसी कॉलेज के स्टूडेंट होने चाहिए एज का भी ज्यादा कोई मैटर नहीं होता यू नो यू कैन बी इन योर फोर्टीज एंड यू कैन कम टू एनी इनक्यूबेटर यू शुड जस्ट है स्टार्टअप अच्छा इनक्यूबेटर इज फॉर स्टार्टअप हाँ

कि भाई आप स्टार्टअप करो वो एक साल तक आप ले सकते हाँ, हो तो, तो तो आप रिस्क फ्री फ्री माइंड के स्टार्टअप लेटर क्या चीज है और इनके क्या फायदे है यार हाँ, हाँ, एक्सलेटर और इंक्यूबेटर ना एक तरह से सिमिलर टर्म ही है मतलब अगर मैं आपको आसान तरीके से समझाऊँ तो इनक्यूबेटर इज बेसिकली कॉलेज फॉर स्टार्टअप एक्सेलेटर इज बेसिकली क्रैश कोर्स फॉर अ स्टार्टअप अच्छा ठीक है तो एक्सेलेटर छोटा होता है ड्यूरेशन कम होती है ठीक है तीन महीने छह महीने का होता है बट उसका पर्पस ही होता है कि वो एक्सेलरेट कर दे okay. नो उसको नाम से ही वो है कि भाई तेजी से आपको रॉकेट की तरह एक्सेलरेशन दे दे इंक्यूबेटर थोड़ा लंबा होता है दो तीन साल का इंक्यूबेशन पीरियड होता है Terms, मतलब टर्मिनोलॉजी है सिर्फ है कई कई ऐसे हैं जिसकी से बहुत ज़्यादा है है जैसे वाई आपको पता है, और और भी कई ऐसे तो कई इंक्यूबेटर ऐसे हैं जिनकी है, बहुत अच्छी वैल्यू है तो वो वाली चीजें रहती है एंड आई गेस एक्सिलेटर यूजली आपको फंड भी करते हैं और थोड़ा बहुत इक्विटी भी लेते हैं बट इंक्यूबेटर में थोड़े वेरी टर्म्स होते हैं कभी नहीं, नहीं वो सेम से ही रहता है मतलब इनक्यूबेटर कई एक्सेलेटर ऐसे भी होते हैं जो इक्विटी नहीं लेते अच्छा, ऐसे भी है भिल्कुल, 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 okay. भिल्कुल, And, वाई हो गया, और कौन कौन सा ऐसे फेमस टिम ड्रेपर का भी आई थिंक आप बताते हैं ड्रेपर यूनिवर्सिटी का एक एक्सलेटर प्रोग्राम है वो होता है तो वो बेसिकली एक प्री एक्सलेटर प्रोग्राम है ठीक है तो वो वो भी काफी सही है ठीक है मतलब आपको उससे बे एरिया का एक्सपोजर मिलता है सैन फ्रांसिस्को यू नो इज सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड उसका एक्सपोजर मिलता है ऐसे uh, you know, ही एक बहुत फेमस हार्डवेयर रिलेटेड एक्सलेटर है ई uh, एक बहुत फेमस है ऑन्टरप्रनर फर्स्ट का प्रोग्राम है बैंगलोर में भी होता है वो इंडिया में

तो उनको आइडिया भी, e, भी में ही जाके आया और तो फाउंडर भी वही मिला बस okay. वो क्वालिटी के लोग थे ओके okay, हाँ तो ये वाली चीज थी और वो आई वाइपेंट भी देते होंगे हाँ, 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 और वो मतलब अच्छा खासा मतलब साठ सत्तर हजार रुपए का आपको

तो तो सोशल स्टार्टअप इफ योर चैलेंज ठीक है आप सबको पता कैसे चला था यही जैसे इनक्यूबेटर के थ्रू पता चला अच्छा, था। इन्कुवेटर, इन्कुवेटर में मार्केटिंग करते हैं वो लोग बिकॉज दीस पीपल आल्सो वांट टू स्प्रेड देयर इनको भी ना लोगों को अपना प्रोग्राम फैलाना होता है मार्केट करना होता है

जो फंडिंग सिखा देती है ना आपको ड्यू इंडेलिजेंस प्रेशर और एक, किसी को जवाब देना है आपको इन्वेस्टर को भाई क्या है ग्रांट हाँ। में ना वो नहीं आता अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल थोड़ी सी वो चीज है बट मतलब ऑब्वियसली इफ यू आर एन रियल ऑनप्रीनर तो उसकी जरूरत नहीं होती हाँ, तो ग्रांट इज द बेस्ट थिंग वन कैन गेट वो आई थिंक आप वीपी बिल्कुल और आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत ग्रांट आ रही है यू नो प्रमोटिंग मेक इन इंडिया आप डिफेंस के लिए काम कर रहे हो सिर्फ सोशल नहीं बोल रहा हूँ मैं आप कुछ नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो इंडिया में ठीक है उसके लिए भी बहुत ग्रांस आते हैं जहाँ पे आप नेवी के लिए कुछ बना दो डिफेंस के लिए ड्रोन बना सब दो स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट में भी काफी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ये सब तो मिलेगा की ग्रांट्स होती है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की जिसकी ग्रांट्स होती है डीएसटी की ग्रांट्स होती हैं अच्छा हाँ ये सब मीटी की ग्रांट्स होती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मेरे फ्रेंड्स को भी मिली है चालीस लाख पैंतालीस लाख की ग्रांट होती है ओके ओके हाँ तो जो कि यू नो चालीस पैंतालीस लाख बहुत बड़ा अमाउंट है हाँ, मैंने लाख से बिजनेस बनाया हाँ, हाँ, ठीक है ना तेईस लाख लाख तो कपड़े की दुकान खोलने में लग जाते हैं आज की डेट में हाँ, तो उससे बिजनेस बना लिया तो चालीस पैंतालीस लाख का आपको इनिशियल सपोर्ट मिल जाए उससे अच्छा और क्या हो बिल्कुल वो भी गवर्नमेंट सपोर्ट बिल्कुल उसमें कोई आपको प्रेशर नहीं क्योंकि लोगों को ना शुरू करते हुए डर भी लगता है कि यार इक्विटी क्या होती है क्या होगा तो पैसे वापस देने पड़ेंगे तो वो बहुत मतलब आप ना टेंशन फ्री से काम कर सकते हो और बाकी जो, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, जो ये बिजनेस कॉम्पिटिशन होते हैं मैंने भी करा है और कुछ में प्राइज मनी तब तो कम होता था दस बीस हजार होता था और अब बढ़ भी गया मतलब पचास हजार एक लाख डेढ़ लाख टाइप हो गया है तो ये बहुत सही रहते हैं मतलब जब आप कॉलेज में होते हो ना तो आपको बाकी सब चीजें तो घर से पैसा मिल रहा है नहीं होता तब। आपको दिखा सकते हो ना कुछ तो प्रोडक्ट बना के दिखा सकते हो मतलब जब आपको आ, कम पैसे होते हैं ना ज्यादा बढ़िया काम होता है ठीक है पाँच पांच हजार रुपए के दो इंटर्न रखो उनको तीन महीने काम कराओ ठीक है कुछ प्रोडक्ट के साथ आओ तो बहुत काम आ सकते हैं पिच कंपटीशन जैसे ट्रिपल आईटी में भी पिच कैफे करके एक होता है अच्छा ठीक है ऐसी एसआईआईटी कानपुर आईआईटी बॉम्बे में तो बहुत धक्के खाए भाई डीयू और शुरू में पता है क्या होता है कि आपको पता है मतलब एक हैक है एक जगह चल गया ना तो मतलब एक जगह आपको अवार्ड मिल गया तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको मिल जाएगा बाकी जगह भी दम है आपकी चीज में तो जाओ और जोड़ लो तो कलेक्टिवली तीन चार लाख <laughs> हाँ, हाँ, उसमें, तो हाँ, उसमें ना कई बार क्या होता है कि वो अमाउंट तो बहुत ज्यादा दिखा देते हैं कि पांच लाख हाँ, पर हाँ, वो ना उसमें गुडीज होते हैं कैश कॉम्पोनेंट होता है ना वो एक लाख का होता है बट आप मानो ना कि पचास ही मान लो पचास वाले पांच जगह जीत लो ढाई लाख रूपये कोई कम नहीं होता है सीड फंड हो गया वो आपका और अगर आपने एक जगह जीत लिया ना तो बहुत चांसेस है दूसरी जगह जीतने और के लिए पैसा कॉलेज टाइम में मिल रहा बहुत बहुत काफी, काफी है भाई हाँ। कुछ बनाने के लिए हाँ। वो बनाओ फिर अगली एक ग्रांट ले लो या अगला इनक्यूबेटर से एक फंड ले लो कंपनी हाँ। इनकॉर्पोरेट लो कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने में खर्चा आता है मेन सवाल ये आपको इनिशियल में इश्यूज़ क्या है और उसको कैसे आपने तो फिर क्रैक student, uh, पहले का भी था, इतना funds, मतलब, नहीं हो पाए रिलेटेड uh, के लिए तो पैसा मुश्किल ही देंगे <laughs> तो फंड्स का इशू था सबसे पहले तो एक और uh, वो क्रैक हुआ यही ग्रांट uh, वगैरह और ये यू नो बिजनेस कंपटीशन से और उसके बाद जो तो दूसरा इशू था वो था ये मेरा बैकग्राउंड नहीं है वेस्ट मैनेजमेंट का तो मेरे को पता है प्रॉब्लम जेनविन है सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है सब कुछ पता है बट इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी बिजनेस की वो भी और इसमें तो आप अगर फॉर्मल एजुकेशन भी ले लेते हो तो ग्राउंड लेवल नहीं समझाती वो आ, क्या चलता है क्या रियलिटी में, में हाँ, तो वो सीखने में थोड़ा चैलेंज था शुरू में टाइम लगा और दूसरा फंड्स का चैलेंज था और मेन तो यही दो बोलूँगा मैं तो जैसे कि फंड्स का चैलेंज तो सबको होता है ना आपने बताया कैसे फिगर आउट किया हाँ जो दूसरा है कि एक्चुअल में ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है कस्टमर फीडबैक क्या है वो लोग उसमें लोग काफी शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या कोई कोई आसानी से सर्विस से मिल जाए हाँ कोई हाँ मुझे कोई और बता दे तो हाँ हाँ कहीं एक वीडियो देख उससे लो दे जाए वो तो वो आपने कैसे क्रैक किया क्योंकि इसमें जो इनसाइड जनरेट होगी वही एक्चुअल में आपकी कॉम्पिटेटिव एज बनेगी बिल्कुल बिल्कुल तो होता ये देखो सर्विस मेरे हिसाब से ना एक बेसिक रफ आईडिया देते हैं बट इट्स अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस क्योंकि ना वो सर्वे में ना लोग जल्दी में कुछ भी भर देते हैं सर्वे से रियल रिजल्ट नहीं मिलता तो बेस्ट वे यू यू नो इवन इफ हैव अ अ सास प्रोडक्ट और टेक स्टार्टअप द बेस्ट वे इज कि आप जाके जो है इंटरव्यू लो कस्टमर का कस्टमर इंटरव्यू लो तीस चालीस मिनट का एक इंटरव्यू लो और बोलो कम सुनो ज्यादा ठीक है अपनी बात बोल दो उसको काटो मत कस्टम खुल के बोलना उसको जो बोलता है और नोट नोट करते रहो अपने ऑब्जर्वेशन ठीक है तो ऐसे पंद्रह बीस लोगों से बात करोगे ना तो आपको पहले ही पता चल जाएगा भाई कि सही रास्ते पे नहीं ये नहीं कि आइडिया आया और खुद ही खुद उस आइडिया से होते रहे कि अरे तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है फोड़ दूंगा मैं और पूरा प्रोडक्ट रेडी कर दिया फिर बाहर गए कस्टमर से बात करने और देखा कि को तो पैदल चलानी होती है गेम ठीक है एक तो एम बना लो पैदल एक कस्टमर से बात कर लो पैरल ही आइडिया को पेवट 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 करके यू नो एक एक आप उसको अच्छी फॉर्म देके एक नया आइडिया निकालते हो

ठीक है और मेरे को अच्छे से याद है ऐसी हमारा एक इनक्यूबेशन होता कॉलेज में टेबल के नीचे ही सो गया था सुबह बांट के आया था और टेबल के नीचे सो गया था तो जैसे ही मैं लेटा तभी मेरे को फोन आ गया कि भैया ले जाओ फिर मैं अपनी उस टाइम में फाइनल ईयर में था तो मेरे पास गाड़ी घर वालों ने बड़ी मुश्किल से दे दी थी गाड़ी ले ले जाके पिकअप करके आता था गाड़ी की फोटोज भी मेरे पास कबाड़ से भरी हुई अच्छा खुद ही पिकअप कर देते हाँ हाँ भाई करना पड़ता है यार मतलब कार में पिकअप करिये हैं सीटें फाड़ी हैं अपनी गाड़ियों की अच्छा। ठीक है और उसके बाद बहुत पसीने पसीने हो जाता था मिट्टी मिट्टी हो जाता था उसके बाद क्या किया कि रेंट पे जब व्हीकल लेता था तो जो व्हीकल के ड्राइवर होते थे वो लोड नहीं कराते थे तो मेरे कॉलेज के जो बेस्ट फ्रेंड्स थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया जैसे मेरा एक दोस्त है विनीत हाँ। वो मेरे साथ जाता था हम गाड़ी लोड करते थे अच्छा तो सारा जो वेस्ट कबाड़ है वो आप ही टनों में लोड करते थे हम ओके में लोड किए हमने पेपर पैसे वैसे हाँ, था। हाँ, हाँ। वो और फिर... बता नहीं सकता मतलब <laughs> ये तो मैंने में भी नहीं बताया। हाँ, हाँ। नहीं और जो अभी जो बेलबन वाले है ना हाँ, हाँ। मैंने बताया था आपको हाँ। तो वो यहाँ मिले मुझे तो मैंने कहा हाय सर मैं आपसे मिला नहीं हूँ बोले मैं आपसे मिला हूँ अच्छा तीन साल पहले उनके घर से मैंने फ्रिज उतारा था चौथी मंजिल से ओके ओके खुद गया था मैं अच्छा खुद आप अपने दोस्तों के साथ

कूलर रहे हैं फ्रिज रहे हैं मैं दोस्तों से भी बहुत मेहनत करवाई है अपने हाँ। <laughs> तो वो वाली चीज़ है हाँ तो, तो वो स्ट्रगल था क्य यार तो वो चैलेंजिंग होता है थोड़ा तो यहाँ से आपको वो तो समझ आ गया कि कस्टमर से क्या पेन पॉइंट अब दूसरा की दूसरे में <laughs> होता है कबाड़ी वाला उसको हम नॉर्मल तो सामान देते हैं बट क्योंकि आप कबाड़ी वाले को भी अपग्रेड कर रहे हो हाँ। उसके लिए उसकी प्रॉब्लम भी समझना बहुत जरूरी है यार उसकी प्रॉब्लम्स ना एक तो ये समझ में आई कि हमारा ना इंडियन कंज्यूमर बड़ा अलग है तो चाहे वो बेचारा बेस्ट रेट भी दे रहा हो ना तो भी वो और मांगेगा अच्छा तो इंडियन कंज्यूमर का माइंड बड़ा अलग सा है मान लो कबाड़ी वाला उसको बेस्ट रेट दे रहा है उससे पॉसिबल है ही नहीं वो और ज्यादा मांगेगा और ज्यादा मांगेगा तो इवन दिमाग चलाना बंद कर देते हैं लोग यू नो कबाड़ का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो हर बंदे को एक बिजनेस बनने की अपॉर्चुनिटी देता है जैसे एक आप माल कबाड़ बेच रहे हो आप एक जॉब करने वाले हो मान लो तो आपको भी आएगा कि आज अपने अंदर का बिजनेस हाँ। बिजनेसमैन बाहर निकाल लू हाँ। पांच का नहीं सात हजार नेगोशिएट करूंगा पूरा दबा के हाँ। तो बड़ी बेचारों को ना प्रॉब्लम आती है और इवन आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में तो पैसा देना पड़ता है

फॉर फ्री या जीरो डॉलर की हाँ। ले जाओ हाँ। अगर कोई नहीं लेके जाता देन दे कॉल बहुत अलग चलता है उसके पीछे हाँ। भी मेरी एक पूरी यार, obviously, दिमाग तो चलेगा ना कि यार ऐसा क्यों है हाँ। तो और अगर यहाँ पे ऐसा चलता है तो क्या हम धंधा बना भी पाएंगे उसका हाँ। तो फिर मैंने पूरा एनालाइज किया कि वहाँ पे ऐसा क्या रीजन है वो ये रीजन है की वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसलिए वहाँ पे पैसा देना पड़ता है यहाँ पे क्या है लेबर कॉस्ट कम है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है और यहाँ पे चलता ऐसे आ रहा है इंडियन कंज्यूमर के साथ चलता ऐसे आ रहा है एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस यहाँ पे भी अगर आप देखें आज से दस साल बाद फर्नीचर के लिए यू हैव टू पे अगर आपको बेड डस्टबिन में थोड़ी फेंकोगे uh -huh. जब आपको बेड खराब हो जाएगा uh -huh. कोई खरीदे भी ना शायद उसको भैया पैसा लो ले जाओ इसको इतनी uh -huh. बड़ी चीज है मेरे घर में जगह घेर रही है तो ये आएगा थोड़ा लेट आएगा तो वो वाली चीजें हैं और तो ये जो आपने एक्चुअल में जो शार्क टैंक में बोल रहे थे कि ये समझने के लिए आपने एक्चुअल में कबाड़ी वाले अपार्टमेंट में मूव किए थे या नहीं नहीं यार ऑब्वियसली और वहां पे तो इवन मैंने सिर्फ शुरू का बताया था हाँ। कि दो कबाड़ी वाले मैंने मूव करे हाँ, तो हुआ ये कि वो फिर हायरिंग करनी थी तो सबसे बेस्ट हायरिंग का तरीका होता है उन्हीं को बोलो अपने कनेक्ट में से ले आए तो वो चार और ले आए अब जल्दीबाजी में ना तब कोई सोचता नहीं है तब मैं सोचता था कि यार चल हाँ। हाँ। अपार्टमेंट में मूव कर दूंगा अच्छा। पर वो करते करते भाई हो गए ऐसे हो गया था तो इवेंचुअली फिर मैंने ये सीखा यार कि ना एक दो चीज मुझे समझ में आई एक तो किस्मत से मुझे ना अच्छे लोग मिले वो उनमें से कोई भी गंदा नहीं था अच्छा, अच्छे हाँ, थे बहुत। हाँ, और मुझे ये समझ में आया कि आई क्यू हाँ, उसके लिए एजुकेशन नहीं थी होती हाँ, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल यार, हाँ, और, इतना मेरा उनसे दिल खुश होता है कि मैं उनके गांव जाता हूँ उनके गाँव में टाइम बिताता हूँ उनकी फैमिली के साथ कभी कभी मेरे को यहाँ पे फिलोसफी नहीं झाड़नी कोई समाज सेवा नहीं कर रहा ऐसा करके

कि लोग इज्जत नहीं देते ठीक हाँ। है? मैं हैं है। हाँ। मतलब है, मतलब ये, ये डर है कि educated वाला चला गया तो न्याय लिया हाँ। ठीक है वो जो बंदे हैं ना कुछ हाँ। उनमें से एक दो हाँ। वो इतने दिमाग वाले हैं मेरे को डर लगता है भाई, ये ना चले जाएं छोड़ के रिप्लेसेबल नहीं है वो अच्छा इजीली इतना दिमाग है उनमें मेरा बिजनेस चलाते हैं तो यू नो अभी तो उनको मैंने पूरा कलेक्शन सेंटर ऑपरेशन का दे दिया है आ, वो वो कलेक्शन नहीं करते ओके, ओके। थोड़ा सीनियर कर दिया है सैलरी बहुत बढ़ा दिया है बताऊंगा वो नंबर यहाँ तो ठीक ठाक सैलरी देता हूँ सब कुछ करता हूँ बट पहले उनको जहां पे वो पहले काम कर रहे थे लाइक like, उनमें से कुछ लोग तो कबाडी वाले खुद थे खुद हाँ। कहते कि किसी कबाडी के पास काम करते थे ओके। तो जो काम करते थे उनको दस बारह मिलते थे वहां पे मिलते थे हाँ। तो उस हिसाब से तो हम बहुत बेटर उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एंड मुझे इस बात का गुस्सा है कि भाई क्यों आर्ट मिलते थे हाँ। इतने जब जब मैं उसको इमीडिएटली ज्यादा दे पा रहा हूँ मेरे लिए वो वैल्यू बहुत मोटी निकाल के दे रहा हैं उसमें से देन वाई आर दि सो अंडर पेड और लोग रिस्पेक्ट नहीं करते रेट्स में चिक चिक करते ही करते हैं लोग और यू नो देन फिर कबाड़ी वाले को भी होता है कि भाई अब कहीं से तो खर्चा निकालेगा तो वो बेचारे फिर वेइंग स्केल में चीटिंग करते हैं वो तो बहुत ही कॉमन है वेट मेजरमेंट में चीटिंग करना और क्या होता है कि वो बताते नहीं है सही से कि भाई कुछ कबाड़ी वाले आपको बताएंगे नहीं जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके घर में टैप्स है किस चीज की बनी होती है वो टैप्स स्टील ठीक है तो आपने टैप्स मान लो तो चेंज करवाई कबाड़ में बेचोगे आप दस किलो तो ठीक है आपने सारी चार सौ सत्तर रुपए किलो की तो वो पांच हजार रूपये का सामान आपसे चार सौ रूपये में ले जाएगा तो ये वाली चीजें भी फिर आ जाती है क्योंकि भाई उनको भी निकालना है खर्चा ना। खर्चा निकालना है बट अगर वो जेनुइन मार्जिन से काम करे मान लो कस्टमर को वो ब्रास बता दे ये तो ब्रास ही है जी और वो बोले कि जी मैं तो तीन सौ रुपए किलो में रूंगा क्योंकि उसको डेढ़ सौ रुपए किलो अपना मार्जिन रखना है तो कस्टमर कहेगा नहीं नहीं उसको तो कस्टमर को तो मैक्स रेट चाहिए हाँ, इंडियन, इंडियन तो 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 एक रुपए का मार्जिन तू तो रख ले हाँ। तो ऐसे नहीं होता ना यार तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं हम पहले से ही एजुकेट करते हैं कस्टमर को और अपनी ऐप पे डाल के रखते हैं कि भैया ये रेट्स है ठीक है

तो वो वाली चीजें हाँ, हाँ, तो अब जैसे कि ऑफ़ आपकी टीम बड़ी हो गई आपने कबाडी वालों के साथ भी आ, मिलके काम किया तो बट अब इसमें हाँ। तो वो कॉम्पिटिशन क्या जैसे कि कैसे कम्पीट करोगे क्योंकि यार कॉम्पिटिशन में मैंने आपको पहले भी बताया कि ना इसमें वैसा कॉम्पिटिशन आना बड़ा मुश्किल है जहाँ पे हाईली एजुकेटेड बंदा इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हो विद ग्राउंड लेवल नॉलेज तो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लेवल नॉलेज और हाई एजुकेशन टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके जो टीम आएगी, जितना मर्जी बोल लो इतना आसान नहीं है ठीक है, आ, आपने नहीं, नहीं। खाना है सीखना। हाँ। और अगर आसान है भी तो हम पहली फर्स्ट मूवर है हम तीन साल आगे चल रहे हैं वो आज शुरू करेंगे उनको दो साल लग जाएंगे तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिलेगी ठीक है ब्रांड नेम मिलेगा दूसरा की भाई ये मार्केट इतनी बड़ी है इतनी बड़ी है इतनी बड़ी है कि इसमें दो तीन कंपनी आनी है मुझे ये भी नहीं पता मेरी कंपनी होगी या नहीं होगी बिकॉज स्टार्टअप फेल सो बट आई होप कि हमारी कंपनी बड़ी बने बहुत बड़ी बने बट uh, मेरे हिसाब से इसमें जो है ना uh, इंडिया में दो से तीन रूलर्स होंगे जो पूरे इंडिया के पैन इंडिया मार्केट में ये काम करेंगे और एक और चीज़ आपने शॉपिंग टाइम बोल दी आप जो कबाडी वाले की इनकम भी बढ़ा रहे हो हाँ। तो क्योंकि आपको, आपको अपना मार्जिन भी रखना होता है हाँ। आ, तो फिर कैसे इनकम बढ़ रहा है क्योंकि कबाडी वाला खुद रखता तो सारा पैसा उसी के पास रहता ना ये तो, नहीं एक्चुअली क्या है ना कि एक तो हम मिडिल मैन हटा रहे हैं ठीक अच्छा। है तो पूरी सप्लाई चेन में बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं जैसे एक कबाडी वाला होता है फिर स्मॉल एग्रीगेटर फिर मीडियम एग्रीगेटर फिर बिग एग्रीगेटर फिर फाइनेंसर फिर रिसाइकलर भी होता है। ये सप्लाई चेन है तो इसमें क्या है कि फाइनेंसियर हटा दिया आ, मीडियम एग्रीगेटर हटा दिया स्मॉल एग्रीगेटर हटा दिया okay. सीधा बिग एग्रीगेटर है एक तरह से ओके okay. कुछ केसेस में फाइनेंसियर भी हटा दिया क्योंकि रिसाइकलिंग कंपनी भी हमें सपोर्ट करना चाहती है कि भाई स्टार्टअप है तो वो फाइनेंसर की जगह क्या फाइनेंसर क्यों चाहिए होता है क्योंकि पंद्रह दिन में पैसा आता है तो कुछ रिसाइकलिंग कंपनी और दूसरी डेज में पेमेंट तो वो चीजें कर रहे हैं तो दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि भाई उनको कॉन्स्टेंट सप्लाई दे रहे हैं कुछ सीजनल वाला इफेक्ट भी है इस बिजनेस में जैसे दिवाली के बाद काम कम हो जाता है अच्छा हम क्या हमारे साथ काम करेंगे तो हम कॉन्स्टेंट सप्लाई देंगे ना उनको ऑर्डर्स की तो एक तो वो वाली चीज है और हम क्या कर रहे हैं कि हम उनको ज्यादा पिकअप दे रहे मतलब जैसे उनको दस बारह घर से माल मिलना ही मिलना है हमारे केस में और हम हमारे को पहले ही पता है कि ऑर्डर वैल्यू कितनी है तो हम उनको कोशिश करते हैं कि दस बारह में से दो तीन पिकअप हाई ऑर्डर वैल्यू के दें ताकि एवरेज अच्छी निकल के आए तो इस तरीके से वो ज्यादा कमा पाते हैं हमारे साथ बाकी इस पे काफी रील्स बन रही है चीजें बन रही है तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई जैसे मैंने बोला था कि साठ सत्तर कमा लेता है तो उसमें उनका खर्चा भी है ओके ठीक है हाँ। उनके पास एक पिकअप ट्रक है सब कुछ है तो कुल मिला के अस्सी हजार रूपए मान लो वो कमाता है हाँ। अस्सी में से उसके तीस पैंतीस तो खर्च होते हैं तो हमारे साथ रह के पचास के करीब वो खर्चे काट के पैंतालीस पचास के करीब निकाल लेता है अच्छा और एक नॉर्मल कबाड़ी वाला देखे तो तीस से पैंतीस कमा लेता है

चालीस पचास हजार बन जाता है तब भी पचास हजार पैंतालीस पचास पचास मिनिमम मान पर डे कम कर लेगा, दस कर लेगा। हाँ। पर ऑर्डर वैल्यू तो छोटी छोटी होंगी ना सारी आपके में ज्यादा हो जैसे मैंने अभी पहले भी किसी वीडियो में बोला था की साढ़े तीन सौ को एक घर से मिलेगा उसको में हमारे केस में क्या होगा की दस में से सात पिकअप साढ़े तीन सौ वाले होंगे तीन पिकअप

हाँ। तो हाँ। रेवेन्यू भी होना चाहिए प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, भी होना चाहिए, हाँ। तो, भी होना चाहिए। हाँ। तो ये कैसी बात हुई करते हैं क्या आपका वो इसमें ना जैसे बहुत लोग ये बातें कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि जो पिछले दस साल थे ना 2000 से 2010 से 2020 का जो डेकेड था उसको ना थोड़ा गलत वे में भी ले लिया गया जैसे कुछ स्टार्टअप ने तो जो शार्क्स के स्टार्टअप लॉस में है वो कुछ गलत नहीं है क्योंकि भाई लॉसेज जो है वो जेनविन लॉसेज है अब धीरे धीरे वो लॉसेज कम हो रहे हैं मेन बात यह है कि अगर आज 300 करोड़ का लॉस है तो अगले साल 800 करोड़ का नहीं होना चाहिए अगले साल वो 300 से कम होकर डेढ़ सौ हो जाना चाहिए उससे अगले साल वो जीरो हो जाना चाहिए फिर प्रॉफिट भी इनमें ऐसे ही आएगा प्रॉफिट भी एकदम सौ करोड़ का आ जाएगा फिर दो सौ करोड़ का आ जाएगा तो दैट्स वाई बड़ी बड़ी सॉफ्ट uh, बैंक बड़ी बड़ी यू नो फंडिंग एजेंसी तभी पैसा डाल रहे हैं बिकॉज दे नो कि वो आना है ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिटेबिलिटी आनी है बट कई लोगों ने क्या है ट्रेंड बना लिया इसको कि भाई बर्न इज अ ट्रेंड तो एक रुपया कमाने के लिए डेढ़ रुपए खर्च देते हैं तो मेरे हिसाब से अर्ली स्टेज में तो बर्न अवॉइड करना चाहिए जैसे मैं देखता हूँ लोग आके शार्क टाइम पे बोलते हैं कि भाई हमारा 25 लाख का बर्न है पर मंथ यार तुम फर्स्ट मतलब अर्ली स्टेजेस में हो इतना बर्न का कोई मतलब ही नहीं है तो शुरू में जो बर्न अगर होना भी चाहिए तो स्टार्टअप में होना चाहिए तो जो बहुत ही हाई टेक डीप टेक कुछ बना रहा है रॉकेट साइंस मतलब रॉकेट बना रहा है वो तो जी ठीक है ना इंडिया का स्पेस बना रहा है तो बर्न मान सकते हैं सेकंड बर्न तब मान सकते हैं कि चलो भाई लॉजिस्टिक्स है बहुत ज्यादा इन्वॉल्ड तो नो नो मामूली सा बर्न ठीक है मान लो तीन लाख रुपए दो लाख रुपए का बर्न हो रहा है तो भी चलो ये नहीं कि तुम उसको तीस का तो जी, बर्न है हमारा दस लाख की रेवेन्यू है ऐसा नहीं, नहीं होना चाहिए फिर तो हाँ तीस लाख का बर्न अगर है भी तो, तो तीस करोड़ की रेवेन्यू होनी चाहिए चलता है फिर ठीक है तो बर्न का ना ट्रेंड खत्म होने वाला है और अगला जो डेकेट है ना प्रॉफिटेबिलिटी का आने वाला है और जो हमारे शार्क के स्टार्टअप्स लॉस में है, उस पर लोग ट्वीट डालते रहते हैं कुछ करते रहते हैं वो तो मुझे लगता है कि थोड़े खा, खाली लोग हैं जो, रोल, रोल, जो, 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 जो वो था क्योंकि था वो क्योंकि बस ट्रोल, करने में बिजी हैं बट बात ये है ना कि यार ऐसी कंपनी इतनी बड़ी नहीं होती तो जैसे तो खासकर मैं अपने शार्क की बात करू कार देखो हो गया उनकी इतनी सारी कंपनीज हैं और इवन मैंने जब कॉलेज भी देखा था तो कॉलेज देखो भी देखा था वो भी उन्हीं की कंपनी है और गाड़ी भी देखी थी कार देखो भी देखी थी जब दस साल पहले जब मैं अपने पापा के लिए गाड़ी ले रहे थे मेरे पापा तो आ, मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू ऐड कर रही है कंपनीज कंपनी कंपनीज है लॉसेस हो भी रहे हैं तो कम हो जाएंगे और फिर प्रॉफिटेबिलिटी आएगी उनको खुद पता है की तभी वो प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करते हैं इतना ज्यादा तो उसको गलत वे में मतलब सिर्फ नेगेटिविटी निकाल के दिखाना इज नॉट अ गुड वे उसमें जो ये ट्रेंड है ना लॉस का जो आजकल अर्ली स्टेज पे लोग बर्न करने लग जाते हैं इतना ज्यादा वो नहीं होना चाहिए वो मेरे को लगता है गलत है और आने वाले दस साल में उसका बबल बस्ट हो ही जाएगा कि ये जो जितने बर्न वाली मेंटालिटी है ना वो खत्म हो जाएगी इवन बड़े बड़े एक्सेलरेटर्स जैसे सी ने पूरा एक पब्लिश किया है कि भैया हम रेवेन्यू पे ध्यान नहीं देंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देंगे अच्छा। तो जैसे टॉप लाइन के पीछे भागते हैं लोग टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू टर्न बढ़ाओ बस प्रोफिटेबिलिटी चाहे हो ना हो तो वो वाली चीज है ना सबको कल आ गई है वाईसी ने पूरे पूरे गाइडलाइन किया है कि भैया अब तो हम रेवेन्यू पे फोकस ही हटा रहे हैं अपना

तो ये नहीं कि भाई इतना कॉन्फिडेंस से लोग बोल देते हैं जी हमारा तो जी पच्चीस लाख का बर्न है कुछ खास प्रोडक्ट भी नहीं होता फिर भी क्यों बर्न है भाई इतना जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने फंड रेज रखा है तो इसका मतलब ये ये थोड़ी कि कि वो टॉक्सिक बर्न बर्न करते हैं और मेरा ये भी मानना है कि इस के चक्कर में ना बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते होंगे चलो ठीक है मान लिया तुमने बर्न कर करके कभी ना कभी प्रॉफिटेबिलिटी ले आओगे तुम दस साल बाद बट हो सकता है कि कोई और बंदा सेम प्रॉब्लम सोल्व करता कम पैसे के साथ तो वो उसके खुद रास्ते ढूंढता उसको कम पैसा खर्च के सॉल्व हाँ। करने के तो के वेस्ट हो रहे है यार, लो, जैसे कुछ जैसे कुछ कंपनी बहुत जल्दी क्विक कॉमर्स में बड़ी हो गई बहुत तो मैं कोई नहीं होता उनके बारे में बोलने के लिए बट मेरा दिमाग ये कहता है कि यार चार चार हजार तीन तीन हजार करोड़ की फंडिंग आप इमीडिएटली दे दोगे अगर किसी को तो वो यार इतना तो कोई भगवान नहीं होता कि बिल्कुल ऑप्टिमाइज़ करके पैसा खर्च ले पक्का वो मतलब मतलब गरीबों की भलाई में लगा देते कहीं भी लगा देते हैं ठीक है ना तो मुझे लगता है कि थोड़ा ना रिसोर्सेज की वेस्टेज मिनिमाइज होनी चाहिए इसमें ये बर्न वाले फैशन की वजह से ठीक है मान लिया भाई दस साल बाद तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे पर अभी तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना बर्न करने के लिए तो अगर कम होता है वो तो खुद सॉल्यूशन ढूंढता है आया, कोविड आया, तो भाई तब दिमाग ज्यादा काम करता है ठीक है जब प्रेशर होता है ना कि भैया ये तो कंपनी की ऐसी तैसी होने वाली है बचाओ इसको तब अपने आप सोल्यूशन निकल आते हैं चीजों के तो मेरे हिसाब से वो चीजें प्रमोट करनी चाहिए और आगे दस साल में अब सबको भी पता चल गया कि प्रोफिटेबिलिटी इज द की

तो कोशिश यही है कि स्टार्ट अर्ली ठीक है फेल अर्ली एंड जितना जल्दी फेल फास्ट ठीक है जल्दी फेल हो गई जल्दी सीखोगे जल्दी पेमेंट करोगे और बड़ा प्रोडक्ट बना दोगे तेईस चौबीस पच्चीस की उम्र में ठीक ठाक कुछ तो बना ही दोगे तो मेरे हिसाब से तो भाई करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए और दूसरा अगर आपको लगता है कि भैया मेरा दिमाग जो है बिजनेस में चलता है मेरे को प्रोडक्ट समझ में आता है मेरे को धंधा समझ में आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करो मतलब मैं देखता हूँ कॉलेज में बच्चे फेस्ट कराते हैं अब आई बॉम्बे आई दिल्ली के इतने बड़े बड़े फेस्ट होते हैं ठीक है करोड़ों का बजट होता है मूड इंडिको तो मेरा ये मानना है और वो बच्चे, बच्चे बच्चे फेस्ट कराते हैं ताकि उनके रिज्यूमे में आ जाए कुछ लोग कि भाई मैं ऑर्गेनाइजर था इस इवेंट का इस फेस्ट में मैं स्पॉन्स टीम में था मुझे ये लगता है कि अगर यार तुम पचास लोग मिलकर इतना बड़ा फेस्ट करा सकते हो इतनी जल्दी तो यार तुम कंपनी भी चला सकते हो तो नौकरी क्यों कर रहे हो रिज्यूमे के लिए क्यों बना रहे हो तुम्हें लगता है तुम्हारा दिमाग चलता है उन चीज़ों में तो बनाओ यार कंपनी मतलब क्यों नहीं बनानी